हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनोज चैनल में सब फ्रेंड का स्वागत है। फ्रेंड्स, तो देखिए मैं बहुत अच्छा एक चटनी का रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है अनियन चटनी। तो ये चटनी कैसे बनता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीके से घर में बन जाता है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं लगने वाला होता है। और ये जब सब्जी वगैरह नहीं हो ना तो ये इसमें बहुत काम आता है, सैंडविच में, रोटी पराठा के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑनियन चटनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल ऐड करूंगा, ये मेरा 1 टीस्पून ऑयल हो गया। अब मेरा जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैं 1 चम्मच चना का दाल ऐड करूंगा। साथ ही 1 चम्मच मैं उड़द की दाल ऐड करूंगा इसमें। अब इसको थोड़ा सा सेकना पड़ेगा, हल्का, इसको थोड़ा हल्का, इसको जलाना नहीं है, केवल थोड़ा रोस्ट करना है ताकि इसका कच्चापन इसका निकल जाए। देख सकते हैं हमारा रोस्ट हो गया है। तो इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। देख सकते हैं हमारा जीरा भी तड़क गया है। अब इसमें 5-6 कली लहसुन ऐड करेंगे और इसमें 3 ऑनियन मीडियम साइज का हम इसमें ऐड करेंगे, वो इस तरह से काटना है। साथ ही ऐड करेंगे लाल मिर्च 5-6 पीस। इस जगह पे आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो ऐड कर सकते हैं, मेरे पास देसी था तो मैं वही ऐड कर दिया। और इसमें थोड़ा सा करी पत्ता ये जरूर ऐड करें, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसको पूरा ये मिक्स कर दिया और इसमें साथ ही 1 नमक ऐड करना पड़ेगा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं नमक भी ऐड कर दिया। अब इसको मुझे गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन होना है। ये इतना करना है कि सॉफ्ट हो जाए ये पूरा ऑनियन। तो इसको मैं अब ढक देता हूँ मिक्स करके। ये मिक्स हो गया है तो मैं इसको ढक्कन लगा के इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ, पका लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये 4-5 मिनट मैंने इस तरह से इसको पका दिया। तो इसको ज़्यादा जलाना नहीं होता है, मतलब ब्राउन नहीं करना होता है, तो इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। तो 4-5 मिनट ढक के मैंने इसको पका दिया। अब इसमें मैं 1 इमली का क्यूब डाल दूंगा। अगर इस जगह पे आपके पास पल्प हो तो वो डाल सकते हैं। मैं क्या क्यूब पल्प बना के मैं इसको आइस जमा के फ्रीजर में रख देता हूँ, जो मेरा जब भी जरूरत होता है तो मेरा काम आ जाता है। तो इस तरह से आप इस जगह पे अगर ये नहीं हो आपके पास तो आप सूखा वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको गैस बंद कर दिया हूँ तो ये इसी में ही, मतलब ये ऐसे करूंगा तो इसी में ये मिक्स हो जाएगा। अब इसको ठंडा करने के लिए मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमारा ठंडा हो गया। तो एक मैंने एक जार ले लिया है मिक्सर ग्राइंडर, अब इसमें मैं इसको ग्राइंड करूंगा। देख सकते हैं मैं इसमें पूरा रख दिया ऑनियन, अब मैं इसको ग्राइंड करता हूँ। तो देख सकते हैं ये दरदरा हुआ है, पीसा नहीं है। तो थोड़ा इसमें वाटर ऐड करेंगे ताकि हमारा ये पीस जाए। तो थोड़ा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, ताकि पीसने जितना इसमें वाटर ऐड करना है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छा सा पीस, मतलब इसका पेस्ट तैयार हो गया है चटनी का। तो अब इसको मैं कढ़ाई लेता हूँ। अभी मैं वही कढ़ाई लिया हूँ जिसमें मैंने उसको सौती किया था थोड़ा। अब इसी में थोड़ा 1 चम्मच मैं ऑयल डालता हूँ फिर से। ये ऐड कर दिया ऑयल, अभी कढ़ाई गर्म हो रहा है, ऑयल गर्म हो रहा है मेरा। इसमें मेरा ऑयल गर्म हो गया है तो मैं 1 छोटी चम्मच राई डालूंगा इसमें, 1 छोटी चम्मच। ये थोड़ा सा चटकना शुरू हो जाएगा अभी, देखिए ये हो गया है। तो इसमें 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल ऐड करेंगे फिर से, ये उड़द की दाल है। ये हमारा थोड़ा सा चटकना शुरू हो जाएगा, तो ये देखिए चटकना शुरू हो गया है। तो अब इसमें मैं एक लाल मिर्च डाल ऐड करूंगा पाउडर। अब तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस जगह पे आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं कलर के लिए।
साथ ही ऐड करेंगे इसमें कड़ी पत्ता और थोड़ा सा इसमें वाटर डाल देंगे ताकि ये जले नहीं मसाला हमारा। अब ये देखिए हमारा थोड़ा सा सिक गया ये, तो अब इसमें ऑनियन का जो हमने पेस्ट बनाया था चटनी के लिए अब इसमें ऐड कर देंगे सभी। अब इसको मैं इसको मिक्स कर देता हूँ पूरा। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्का वाटर की ज़रूरत है, तो मैं उसी जार में पानी ऐड कर दिया जिसमें मैंने इसको ग्राइंड में पीसा था, तो उसी जार में मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी वाटर ऐड किया है मैंने, अब इसको 5-10 मिनट के लिए कम से कम पकाना पड़ेगा। 10 मिनट तो नहीं लेकिन 5 मिनट कम से कम आपको पकाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको ढक के पकाता हूँ। तो देख सकते हमारा चटनी ये रेडी हो गया, हमने 6-7 मिनट पका दिया इसको, तो देखिए ऑयलिंग सब हो गया, तो ये हमारा चटनी रेडी हो गया। तो ये रेसिपी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।